हस्बैंड को फोन करती है, आज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, बाहर से लेकर आना। छोटू बोलता है, मम्मा आज बाहर का खाना खाएंगे, अरे तेरा एग्जाम है। छोटू को नहीं पता दोस्तों, दो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले 6 साल के बच्चे को नहीं पता एग्जाम क्या है, लेकिन माता पिता के हाव भाव से यू आर टीचिंग द चाइल्ड कि एग्जाम माना कुछ खतरनाक होने वाला है। अब बताइए, कहीं नहीं लिखा है कोई भी किताब में, कोई भी टीचर्स का बीएड डीएड में नहीं लिखा एग्जाम इज डेंजरस, एग्जाम इज फियरफुल। हु इज क्रिएटिंग इट? इट इज नॉट ऑटोमेटिक, सब हमारा किया धरा हुआ है। सॉरी यार, माफी चाहता हूं। गुड मम्मी बताऊं, आध्यात्मिक मम्मी बताऊं, रियल मम्मी बताऊं, पावरफुल मम्मी बताऊं, रियलिटी वाली मम्मी की बात बताता हूं। वही छोटू आता, जूता इधर उधर फेंकता, टीवी देखता, मम्मी ने डब्बा चेक किया, फिर मम्मी ने जैसे ही डायरी खोला उसमें लिखा एग्जाम टुमारो, कैन यू रिक्रिएट इट? और मम्मी कहती है, बेबी यू हैव गॉट एग्जाम। छोटू बोलता, वो क्या होता है? इधर आ, बहुत मजा आता है, वैसे तो तुम्हारे क्लास में इतना हल्ला गुल्ला होता है, एग्जाम तो पहली बार लिखने वाला है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, मम्मी ने बहुत एग्जाम लिखे, पंखे की द रंबलिंग ऑफ द फैन सुनाई देता है, बाहर चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देगा, और तुम लोग इतना भर भर के तीन तीन बच्चे एक बेंच में नहीं बैठोगे, वन स्टूडेंट इन वन बेंच, इतना स्पेस रहेगा, टीचर तेरे को कैंसर शीट देगी, बेबी आज हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे, हाँ फिर क्वेश्चन पेपर आएगा, मोतियों जैसे सुंदर सुंदर अक्षरों में तेरे को जो आता है ना लिख देना, एग्जाम इज गुड, एग्जाम इज फन, एग्जाम इज ब्यूटिफुल, ये भी तो डाल सकते हैं ना। अब बजाइए ताली।